हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से अनुपमा टीवी सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुपमा की बेटी पाखी ब्यूटी पार्लर जाने का बहाना करेगी और फिर वो आरुष के पास चली जाएगी। ऐसे में ईशानी पाखी को रोकती है। ऐसे में अनुपमा भी वनराज से कहती है कि पाखी जा कहां रही है, और अनुपमा सब पर चिढ़ जाएगी। वहीं पता चलेगा कि ईशानी की तबीयत खराब हो गई है और पाखी उस पर बेवजह से चिल्ला रही है। अनुपमा अपनी बेटी पाखी को समझाती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं समझेगी। वहीं दोस्तों, आध्या और श्रुति अनु से माफी मांगते हैं और वो गाना गाकर अनुज कपाड़िया को मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अनुज भी बातें मान जाएगा, लेकिन साथ ही दोनों को कहेगा कि तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार वो भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी अलग फीलिंग्स होती हैं, उसके इमोशंस अपने होते हैं। अनुज बोलेगा कि ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे अगर उससे कुछ नहीं हो पा रहा है। और आध्या और श्रुति से अपने दिल की बातें कर अनुज वहां से बाहर चला जाएगा। ऐसे में अनुज के फोन पर एक मैसेज आता है। अनुज देखेगा कि ये मैसेज तो एक मीटिंग के बारे में है जो उसे एक शेफ के साथ करनी है, और अनुज मैसेज में बताई गई जगह पर पहुंचेगा तो पता चलेगा कि वहां पर सुपरस्टार शेफ की शूटिंग चल रही है। ऐसे में एक असिस्टेंट आती है और अनुज को अंदर ले जाती है, और अनुज दोस्तों सुपरस्टार शेफ के सेट पर ऑडियंस के साथ बैठ जाएगा। ऐसे में अनुपमा केवल 15 मिनट के अंदर जो उसको सामान मिला है उनके जरिए उसे कोई डिश बनाने का टास्क मिला हुआ है। ऐसे में अनुपमा पहले मोहन थाल बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कई बार ट्राई करती है लेकिन उसके हाथ से तेल का डिब्बा नहीं खुलता। अनुज उसे देखकर परेशान हो जाता है और उसे आवाज़ देगा। अनुपमा दौड़ के उसके पास जाती है और अनुज उसे तेल का केन खोलकर दे देता है। वापस जाकर वो अपने काम पर लग जाती है। ऐसे में सारा जो तेल है वो फैल जाता है। ऐसे में टाइम खत्म होने का ऐलान हो जाएगा और अनुपमा कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसे में एक जज अनुपमा के सामने आता है और कहता है कि वो क्विट कर ले और यहाँ से चली जाए। और अनुपमा के दिमाग में बार बार यही बात आती रहेगी। अनुपमा से जब डिश के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा तो वो इंग्लिश की बजाय हिंदी में बोलना शुरू कर देगी। ऐसे में जज उस पर भड़क जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कल के एपिसोड में कि जज उसे कहते हैं कि ये कोई भारतीय शो नहीं है। इसी बीच अनुपमा टीवी सीरियल का एक स्पॉयलर वीडियो भी सामने आया है जिसमें काफ़ी सारी बातें आपको देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि पाखी बहाना बनाकर आरुष से मिलने के लिए चली जाती है। इसके अलावा पाखी घर से जेवर भी चुरा कर ले जाती है, क्योंकि पाखी के दिमाग में चल रहा है कि वो आरुष को उसके बिजनेस में सेट करने में मदद करेगी। लेकिन पाखी इस बात से पूरी तरीके से अनजान है कि आरुष के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। आरुष पाखी को अपने घर पर बुलाएगा, वो कहेगा कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, और बाहर वो प्राइवेसी की बात कहेगा इसीलिए उसे अपने घर पर ही वो बुलाएगा। पाखी बिजनेस की बात करती रहेगी। ऐसे में उसकी बात सुनने के बाद आरुष पाखी से कहेगा कि बिजनेस वगैरह तो बड़ी आसानी से हो जाता है, बल्कि वो काम होना तो तय है, तो चलो कुछ सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में वो पाखी को शराब पिलाने लगता है। कहा जा रहा है कि आरुष नशे की हालत में पाखी का फायदा उठाएगा और फिर वहां से भाग जाएगा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अगर आरुष की हरकतों के बारे में पाखी को पता चलेगा तो तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। फिर उसे काव्या, डिंपल और अनुपमा की बातें याद आएंगी। पाखी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। वो हमेशा की तरह गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगने के लिए पहुंचेगी, लेकिन कौन उसकी मदद करेगा ये देखने वाली बात होगी। दरअसल दोस्तों, अब इस टीवी सीरियल में अनुपमा का जो अवतार है वो बदला हुआ है, और अनुपमा अब अपनी औलाद की गलतियां छिपाने और उन्हें माफ़ करने में कोई भरोसा नहीं रखती। उसे लगता है कि अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो न सिर्फ सजा उन्हें मिलनी चाहिए बल्कि ठोकर खाकर सीखने का मौका भी मिलना चाहिए। अनुपमा पाखी पर कितना भी गुस्सा क्यों नहीं करती, लेकिन आखिरकार वो उसकी लाडली बेटी है। लेकिन इस बार क्या अनुपमा अपनी बेटी पाखी को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पेज को फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अब क्या हो सकता है बाकी के साथ, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।